कि आप ब्रेड के किनारों को फेंक देते हैं, तो आज के बाद आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ब्रेड के जो बचे हुए पार्ट है इससे बहुत सारी रेसिपी बनती है। तो इसी ब्रेड से हमने बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ब्रेड की मिठाई बना के तैयार किया है। खाने में यह मिठाई बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ब्रेड के किनारों से इस मिठाई को बना के तैयार किया है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं या घर पे कोई खाता है तो ब्रेड का ये वाला पार्ट पसंद नहीं आता है, तो हम इसको काट के स्टोर करके फ्रिज में रख लेते हैं। तो फ्रिज से निकालने के बाद हमने इसको आधे घंटे बाहर रखा, उसके बाद हम इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो इस मिक्सी जार में हमने पहले पाउडर शुगर बना के तैयार किया था, इसी मिक्सी जार में हम ब्रेड को डाल देंगे। अगर आपके पास ब्रेड के बचा हुआ किनारे नहीं हैं तो आप ब्रेड से भी इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो सारे ब्रेड के किनारों को हमने इसमें डाल दिया है, अब इसको हम पीस लेंगे। तो ब्रेड को हमने पीस लिया है और कितना बारीक पीसना है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन को हल्का सा गर्म कर लिया है, अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स को डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और कंटिन्यू चलाते हुए 5 से 6 मिनट हम इसको भून लेंगे, या फिर हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी स्मेल आने लगे। कंटिन्यू चलाते हुए 5 से 6 मिनट हमने इसको भून लिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आने लगी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। एक प्लेट में हमने इसको निकाल लिया है और इसको साइड में रख देंगे। उसी पैन में हम डाल देंगे 1/4 कप चीनी और डाल देंगे 1 चम्मच पानी। तो लो फ्लेम में हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ना चीनी कैरामल हो जाए। तो इसको बीच बीच में हल्का हल्का चलाना है, उसके बाद छोड़ देना है। तो ये देखिए चीनी कैरामल बनना स्टार्ट हो गया है। तो इसे ज़्यादा डार्क कलर हम और नहीं करेंगे, अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप दूध। कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। शुरू में ये थोड़ा सा जमा हुआ रहेगा, जैसे जैसे आप चलाएंगे धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। तो ये देखिए सारा कैरामेल बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स को डाल देंगे। फ्लेम को हमने अभी लो रखा है और कंटिन्यू चलाते हुए इसको मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दूध और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आप 4 ब्रेड से इस रेसिपी को बना रहे हैं तो 1 कप दूध सही है, लेकिन हमने इसको मेजरमेंट नहीं किया था इसलिए हमने बाद में 1/2 कप दूध और डाला है। अगर आप एक बार में सारा दूध डाल के बनाने का कोशिश करेंगे तो ये घोल बन करके तैयार हो जाएगा, इसीलिए 2 बार में ही आप दूध डालें। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डाल देंगे 1/2 कप और 1/2 छोटा चम्मच हम इलायची पाउडर डाल देंगे। तो कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको मिलाएंगे और फ्लेम को हमने अभी लो रखा है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। बस इसको हल्का सा चिकना करने के लिए हमने घी डाला है और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो कंटिन्यू चलाते हुए हमने इसको मिला दिया है और अच्छे से इसको भून भी लिया है। क्योंकि हमने इसको हल्का सा सूखा रखा है तो चलाने में थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। अगर आप इसी तरह का सूखा ही रखेंगे तो बहुत अच्छे से मिठाई सेट हो जाएगा। तो ये देखिए ये बिल्कुल जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इसी बर्तन में हम मिठाई को जमा के तैयार करेंगे। तो हमने इसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है और अच्छे से इसको हर तरफ फैला देंगे। तो आपके पास जो भी बर्तन है आप उसी में आप मिठाई को जमा के तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हम बटर पेपर डाल देंगे। बटर पेपर डालने से मिठाई बहुत अच्छे से निकल जाएगी। तो इसमें भी हम 1/2 चम्मच तेल डाल देंगे और अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो ये हमारा रेडी है, अब इसमें हम मिठाई को डाल देंगे।
अब इसमें हम एक चम्मच घी डाल देंगे ऊपर से और इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो दबा दबा के हम इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। ये अभी हल्का सा गर्म ही है, तो 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको पंखे के नीचे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहे तो इसे 1 घंटे फ्रिज में भी रख सकते हैं। 3 घंटे के बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, तो हमने इसको पंखे के नीचे ही रख दिया था। अब इसको हम काट लेंगे, तो शेप आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर इस रेसिपी के बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो एक पीस हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। आप सोच भी नहीं सकते हैं ये कितना टेस्टी मिठाई बन करके तैयार हो गया है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्रेड के किनारों से आपने बना के तैयार किया है। जब तक आप किसी को बताओगे नहीं कि आपने इस मिठाई को किस चीज़ से बनाया है तो किसी को पता नहीं चलेगा, और मेहमान को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मेहमान को बताना भी नहीं है कि आपने इसको ब्रेड के किनारों से बनाया है, वरना मिठाई बहुत टेस्टी है लेकिन इसकी वैल्यू ज़रूर घट जाएगी। जब हमने इस रेसिपी को पहली बार घर पे बनाया था तो घर पे किसी को पता ही नहीं चला कि हमने इसको किस चीज़ से बनाया है। तो आप ब्रेड से भी इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं, और कितने ब्रेड से आपको इसको बनाना है और कितना क्या डालना है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।